गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे सेमीकंडक्टर इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। उसके कुछ एप्लीकेशंस को देखे थे, फिर उसके कुछ कन्वर्टर्स को देखे थे, और फिर सम पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो आज का टॉपिक है मेरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम लोग पावर डायोड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पावर डायोड। पावर डायोड स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सेमीकंडक्टर्स होता क्या है? तो सेमीकंडक्टर वो सब्सटेंस है जो पार्शियली अलाउ करता है इलेक्ट्रॉन्स को टू फ्लो थ्रू देम, मीन्स ये पार्शियली अलाउ करता है खुद से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, ठीक है। और इसको हम लोग और एक डेफिनेशन से जानते हैं, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सेमी कंडक्टर होता है वो सिंपली क्या करता है, उसका कंडक्टिविटी लाइज करता है बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। जो सेमी कंडक्टर उसका दो टाइप्स होता है, इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर, एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर को हम लोग प्योर भी बोलते हैं सेमी कंडक्टर बोलते हैं, नेचुरल सेमी कंडक्टर बोलते हैं, और एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर को इम्प्योर सेमी कंडक्टर बोलते हैं और आर्टिफिशियल सेमी कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई वी नीड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्यों हमको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ज़रूरत पड़ा? क्योंकि जो कंडक्टिविटी होता है, जो इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी होता है, इससे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ज़रूरत पड़ा। तो यहाँ लिखा हुआ है कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज़ ग्रेटर देन कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब ये जो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो मेरा फॉर्म कैसे होता है? तो सिंपली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस कुछ टॉपिंग होता है उसमें, तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ। देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फॉर्म कैसे होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस डोपिंग। अभी डोपिंग क्या होता है? एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज एटम टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। अभी डोपिंग का पर्पज़ क्या है? तो पर्पस ऑफ डोपिंग हमेशा याद रखिएगा कि ये हमेशा इंक्रीज़ कर देता है कंडक्टिविटी, मीन्स जो मेरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसके कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करके वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डोपिंग के बारे में पढ़ेंगे, डोपिंग एक्चुअली होता है क्या। तो डोपिंग के बारे में हम लोग को पता है कि हम लोग कैसे इम्प्योरिटीज़ एटम में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं, उसी प्रोसेस को सिंपली हम लोग डोपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो जो डोपिंग होता है वो भी मेरा टू टाइप्स का होता है, लो लेवल डोपिंग और एक हाई लेवल डोपिंग, ठीक है। तो जो मेरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है सारा लो लेवल डोपिंग पे डिपेंड करता है। हाई लेवल डोपिंग पे सिर्फ एक एग्जांपल है टनल डायोड, ये हम लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इसके बारे में भी डिस्कशन नहीं करेंगे, बस हम एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है। तो जो लो लेवल डोपिंग कंसनट्रेशन होता है, मान लीजिए 10^8 प्योर सेमी कंडक्टर मॉलिक्यूल्स है मेरे पास, तो उस पर 1 डोपेंट ऐड करेंगे। इट मीन्स कि अगर 10^8 प्योर सेमीकंडक्टर है तो उस पर सिर्फ हम लोग एक, अगर ट्राईवेलेंट है तो एक अल्मोनियम लगाएंगे इम्प्योरिटीज़ देंगे, और अगर पेंटावेलेंट है तो सिर्फ एक फॉस्फोरस इम्प्योरिटीज़ ऐड करेंगे, ठीक है। और हाई लेवल डोपिंग होता है इस पर 10^3 पे एक, मीन्स अगर 10^3 प्योर सेमीकंडक्टर मॉलिक्यूल्स है तो उसमें हम लोग एक डोपेंट मीन्स एक सिलिकॉन, एक एल्युमिनियम या फिर एक फॉस्फोरस ऐड करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टाइप्स को देखेंगे। तो सिंपली इसके दो टाइप्स होता है, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप को पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं और एन टाइप को नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड कर देंगे तो मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बनेगा, ठीक है। तो जो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ होता है वो बेसिकली थर्ड ग्रुप एलिमेंट होता है, जो बोरन, अल्मोनियम, गैलियम एक्सेट्रा है। फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ बेसिकली क्या है? फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट है जो कि फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है और एंटीमोनी है, ठीक है, एट्सेट्रा। इसी तरह फिफ्थ ग्रुप के कोई भी एलिमेंट को हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पी एन जंक्शन फॉर्म कैसे होता है, ठीक है। तो बेसिकली पी और एन टाइप जो आता है वो एक्चुअली आता कहाँ से वो देखेंगे। तो पी टाइप जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो जो होता है उस पर
एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ होते हैं, ठीक है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में डोनर इम्प्योरिटीज़ होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात है कि इसके अगर कंस्ट्रक्शन का देखें कि पी टाइप कैसे फॉर्म होता है, तो सिंपली हम लोग एक थर्ड ग्रुप एलिमेंट को ले लिए और चारों तरफ एक सिलिकन एटम्स ले लिए। सिलिकन के आउटर मोस्ट सेल पे चार होता है और एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट सेल पे तीन होता है, ठीक है, एक दो तीन। अब देखिए यहाँ जो बॉन्डिंग बना है, एक बॉन्डिंग बना, दो बॉन्डिंग, तीन बॉन्डिंग, तो ये जो बॉन्डिंग है इसको कंप्लीट कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, कंप्लीट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, मीन्स इसका दोनों जो बॉन्डिंग है वो कंप्लीट है, बट ये वाला जो बॉन्डिंग है इस पर एल्युमिनियम का एक नहीं है, जिसके चलते ये इनकम्प्लीट कंप्लीट कोवलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो इनकम्प्लीट कोवलेंट बॉन्ड को ही हम लोग होल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनकम्प्लीट है तो ये क्या हो रहा है, ये कहीं से कुछ एक्सेप्ट करने वाला है, मीन्स इसको एक एक्सेप्ट करने का ज़रूरत है, तो एक ये नेगेटिव आयन यहाँ आता है जिसको हम लोग एक्सेप्टर आयन बोलते हैं, ठीक है। तो वन नेगेटिव आयन, अगर हम एक एल्युमिनियम ऐड करेंगे तो वन नेगेटिव आयन ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। इफ़ अगर हम एक एल्युमिनियम ऐड करेंगे तो एक होल जनरेट होगा और एक नेगेटिव आयन भी आएगा। अगर उसी तरह हम 1000 एल्युमिनियम ऐड करेंगे तो 1000 होल्स आएगा और साथ ही 1000 एक्सेप्टर आयन्स आएगा। अगर 10^6 एल्युमिनियम देंगे तो 10^6 होल्स आएगा और 10^6 एक्सेप्टर आयन्स आएंगे, ठीक है। इसको हम लोग नेगेटिव आयन, एक्चुअली ये जो आयन है वो एक्चुअली क्या है, नेगेटिव इमोबाइल आयन, ये वो आयन है जो कि मूव नहीं कर सकता। जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स, जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास हुआ था वहाँ पे हम ये सब समझा चुके हैं, फिर भी हम एक बार रिवाइज़ करवा दे रहे ताकि अगर कोई भूल गया है तो उसको ये सब सब रिकॉग्नाइज हो जाए, ताकि बाद में जब हम लोग पढ़े तो इस पर कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये जो होल्स है बेसिकली ये क्या, पॉजिटिव मोबाइल चार्ज कैरियर जो कि मेरा मूव करता है, ये जो चार्ज कैरियर है जो मेरा मूव नहीं करता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बोलते हैं। सेम अगर हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल देखें तो इस पे डोनर इम्प्योरिटीज़ होता है, ठीक है। इसका जो एलिमेंट होता है फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट होता है क्या क्या है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है और एंटीमोनी, ठीक है। हम लोग इस पे एक आर्सेनिक ले लिए, इसके आउटर मोस्ट शेल पर 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो हर इलेक्ट्रॉन सिलिकन के साथ एक कोवलेंट बनाएगा बॉन्ड, तो इस पे इनकम्प्लीट का कोई बात नहीं क्योंकि सारा ही कोवलेंट बॉन्ड मेरा कम्प्लीट है, ठीक है। यहाँ एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच गया, ठीक है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, किसी को डोनेट करेगा, क्योंकि इसकी इसको रखने का तो ज़रूरत है, अगर कोई इससे मांगेगा तो वो डोनेट कर देगा क्योंकि सारा बॉन्डिंग बन चुका है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोनर आयन, ठीक है। एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए हम लोग इसको डोनर आयन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर एक आर्सेनिक हम ऐड करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन्स आएगा, फिर प्लस एक डोनर आयन्स भी आएंगे, और फिर अगर 1000 आर्सेनिक हम लोग ऐड करेंगे तो 1000 मेरा इलेक्ट्रॉन्स आएगा प्लस 1000 डोनर आयन आएगा। फिर अगर 10^6 आर्सेनिक ऐड करेंगे तो 10^6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और 10^6 डोनर आयन आएंगे। तो बेसिकली ये वाला क्या है, मेरा नेगेटिव, ये मेरा क्या है, पॉजिटिव इमोबाइल आयन है, ठीक है। ये मेरा पॉजिटिव इमोबाइल आयन है, ये मेरा नेगेटिव, ये वाला पोर्शन मेरा नेगेटिव इमोबाइल आयन था, ठीक है। और ये मेरा एक्चुअली क्या है, नेगेटिव मोबाइल चार्ज कैरियर, ठीक है। तो ड्यू टू दिस ये नेगेटिव मोबाइल चार्ज कैरियर है, इसलिए हम लोग इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइट होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइट होता है, न्यूट्रलाइज होता है। इसका मतलब क्या होता है कि एक होल्स के साथ एक मेरा नेगेटिव आयन मेरा प्रोवाइडेड रहेगा, और इस पर जो एन टाइप होता है इस पर एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक पॉजिटिव आयन मेरा होगा, ठीक है। ये एक्चुअली इसका मतलब हुआ कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइट है, ठीक है, न्यूट्रलाइज रहता है, ठीक है। अब जो मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उस पर जो पी जो होल्स होता है वो मेरा सपोर्ट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स जिस पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन होता है वो ड्यू टू होल्स के चलते होता है, ठीक है। अब एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो सपोर्ट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स इस पर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के चलते होगा, जो कंडक्शन होगा वो मेरा इलेक्ट्रॉन्स के चलते होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर सिंपली स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पी टाइप और सेमी कंडक्टर मटेरियल का स्ट्रक्चर है, सिंपल एक पी लेयर है, एक एन लेयर है, ठीक है। इस पर एक होल्स दिया हुआ और एक नेगेटिव आयन्स है पी टाइप में। देखिए सिंपल कंस्ट्रक्शन हम पहले भी बता चुके, वही चीज़ है। ये मेरा क्या है, डिप्लीशन रीजन,
ये सब मेरा क्या है, ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन सब मेरा इमोबाइल आयन है, ठीक है, डिप्लीशन लेयर फॉर्म किया। अगर हम इस पार्ट को देखें, ये वाला जो पार्ट है ये मेरा क्या डिप्लीशन डिप्लीशन लेयर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, मीन्स ये जो हाफ रीजन है वो मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए और ये मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का विड्थ है। तो डब्ल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी पी माइनस डब्ल्यू पी माइनस डब्ल्यू एन विड्थ ऑफ पी प्लस विड्थ ऑफ एन, ठीक है। टोटल विड्थ मेरा क्या होगा, विड्थ ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल प्लस विड्थ ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है। तो हम लोग सिंपली जो डायोड पढ़े थे उसका सिंबल ये था, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमेशा याद रखना है क्या, कि चार्ज ऑफ न्यूट्रलिटी इक्वेशन, एक चार्ज ऑफ न्यूट्रलिटी इक्वेशन आता है वो क्या है, एन ए डब्ल्यू पी इक्वल्स टू एन डी डब्ल्यू एन, ठीक है। एन ए मेरा क्या है, एक्सेप्टर आयन है। डब्ल्यू क्या, डब्ल्यू पी मेरा क्या है, विड्थ ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। एन डी क्या है मेरा, डोनर आयन है। और डब्ल्यू एन क्या है मेरा, विड्थ ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है। अब हम लोग तीन केस यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला केस हम लोग क्या देखेंगे, अगर जो एक्सेप्टर आयन है डोनर आयन के बराबर हो जाएगा, अगर एक्सेप्टर आयन डोनर आयन के बराबर हो जाएगा तो डब्ल्यू एन इज डब्ल्यू पी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एन, मीन्स सेम डिप्लीशन विड्थ होगा, ठीक है। तो जो बेसिकली हम लोग का जो पी एन जंक्शन डायोड हम लोग पढ़ रहे थे सिंपली, वो मेरा इसी 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 केस पे था कि उस पर दोनों ही कंसंट्रेशन हम लोग सेम ऐड करते, ठीक है। तो जो हम लोग प्रीवियसली जितना भी अब तक कंसंट्रेशन पढ़े उस पर, अगर जब भी हम लोग बात करते हैं कि कुछ हैवीली डोप्ड है कुछ लाइटली डोप्ड है, तो उसका मतलब अभी समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या मतलब समझाता था, ठीक है। तो ये जो केस वन है वो मतलब, अगर मान लीजिए दोनों में हम लोग जो कंसंट्रेशन है एन ए इक्वल्स टू एन डी, मीन्स एक्सेप्टर आयन और डोनर आयन दोनों बराबर रहेगा, तो जो विड्थ ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है और विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, जो डिप्लीशन रीजन का पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो डिप्लीशन विड्थ है वो दोनों मेरा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब केस हम लोग टू पे जाएंगे तो उस पर क्या है, अगर मेरा एक्सेप्टर आयन बहुत ही ज़्यादा होगा डोनर आयन से, मीन्स अगर एक्सेप्टर आयन ज़्यादा होगा लार्ज होगा डोनर आयन से, तो फिर इक्वेशन सिंपल पुट करके क्या आ जाएगा, ये वाला देखोगे, जैसे डोनर अगर आयन ज़्यादा होगा तो विड्थ ऑफ पी वो क्या हो जाएगा मेरा, लेस हो जाएगा डब्ल्यू एन से, ठीक है। इसका मतलब जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है वो मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिप्लीशन विड्थ के, मीन्स आप जैसे जैसे डोपिंग कंसंट्रेशन को इनक्रीज़ करते जाइएगा तो डिप्लीशन रीजन का विड्थ मेरा डिक्रीज़ करते जाएगा, ठीक है। डिप्लीशन रीजन का विड्थ डिक्रीज़ करेगा, वैसे ही अगर डोनर आयन को बना दे, ये डोनर आयन इधर साइड मेरा डोनर आयन है, अगर इसके कंसंट्रेशन को हम इनक्रीज़ कर दें इससे, तो क्या होगा, इसका जो विड्थ होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मीन्स जितना ज़्यादा विड्थ होगा डोनर आयन उतना ही कम होगा, ठीक है। मीन्स डोपिंग कंसंट्रेशन जितना कम होगा डिप्लीशन रीजन उतना ज़्यादा होगा, डोपिंग कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा डिप्लीशन रीजन उतना ही कम होगा, ठीक है। तो ये जो पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीशन विथ इज मोर इन लाइटली डोप रीजन, ठीक है, इन लाइटली डोप रीजन देर इज मोर पेनिट्रेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जो मतलब जो लाइटली डोप्ड रीजन होता है उधर साइड जो मेरा डिप्लीशन रीजन इंक्रीज होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, मीन्स स्लाइटली डोप रीजन में डिप्लीशन रीजन के विड्थ का इंक्रीज होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पावर डायोड के बारे में।